आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी बीच अंबाला में भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी भी ली। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आज यहाँ अंबाला के इस पावन धरा पर तिरंगा फहराते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ, बेहद खुशी की बात है। आज से 71 साल पहले हमारे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जिस संविधान का निर्माण हुआ, मजबूती के साथ 71 साल का ये लंबा दौर इस देश की एकता और अखंडता को एकजुट रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारा संविधान देकर गया है। इस अवसर पर भारतीय सेना की 2 सिख लाइट रेजिमेंट ने विशेष रूप से बैंड की प्रस्तुति दी। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कोरोना वॉरियर्स और कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को सलाम किया और कहा कि भारत आज कोरोना से पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और दुनिया भर में मदद पहुंचा रहा है। ये संदेश दुनिया भर में दे दिया कि हम इस महामारी से जहां लड़ रहे हैं वहां दुनिया का सहयोग भी करने का काम कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं उन साइंटिस्टों का जिनने हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान में बनी हुई COVID-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया, और केवल मात्र हिंदुस्तान के नागरिकों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लगभग 90 देशों के अंदर भी उस वैक्सीन को पहुंचाकर ये साबित कर दिया कि भारत हर प्रकार से इस लड़ाई से लड़ेगा भी और दुनिया भर का सहयोग कर इस लड़ाई से जीतने का भी काम। एक ओर गणतंत्र दिवस की धूम थी तो वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग की हुई थी। परेड ग्राउंड में जाने वाले सभी रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।